बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ट्रेंड्स बाय सायरा माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको सिंपल गला बनाना सिखाएंगे और हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे कमीज पे लगाना है और इसको किस साइड पर लगाना है और इसको किस तरह फोल्ड करना है और इस पर मार्किंग कैसे करनी है। गला आपका किसी भी शेप में हो सकता है और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम गला बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पेपर पट्टी का एक पीस लिया है, बाज़ लोग इसको बुकरम भी कहते हैं। इसकी विड्थ हमने 9 इंच ली है और इसकी लेंथ हमने 10 इंच ली है। पहले हम इसको फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे। अब इसके ऊपर हम मार्किंग करेंगे। पहले हम विड्थ लेंगे 3.5 इंच, विड्थ 3.5 इंच और यहाँ पर हम एक छोटा सा निशान लगाएंगे। लेंथ इसकी हम 7.5 इंच लेंगे, आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और गला हमारा जो है वो 7 इंच तैयार रहेगा। जितना भी आपने गला तैयार करना है उससे आधा इंच आपने ज़्यादा लेना है और वो भी सिर्फ लेंथ में। यहाँ से भी हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से 7.5 इंच पर निशान लगाकर एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद अब हम यहाँ से भी 7.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब हम खुली साइड अपनी तरफ काट के यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे अंदर की तरफ। 1.5 इंच हम निशान लगाएंगे और यहाँ से हम गोलाई काट लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से गोलाई काट लेंगे, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा गुलाई काट सकते हैं। एक एक इंच के फासले पर हम एक निशान लगाएंगे और बाहर की साइड पर भी हम इसी तरह से गुलाई काट लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, पहले अंदर की साइड से कटिंग करेंगे और बिल्कुल इसी तरह अब बाहर की साइड से भी हम कटिंग काट लेंगे। हमने गले की कटिंग काट ली है, अब हम एक्स्ट्रा पीस लेंगे और उसके ऊपर इस गले को इस तरीके से चिपका लेंगे इस तरह से। अब हम इस्त्री के साथ इसको चिपका लेंगे। इस्त्री के साथ हमने इसको चिपका लिया है, अब हम कपड़े की जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग काट लेंगे बिल्कुल गले की शेप के बराबर। इसी तरह हम अब दूसरी साइड से भी कटिंग करेंगे। अब हम यहां से भी काट लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इसकी गुलाई वाले साइड पे एक एक कट लगाएंगे। कट इसलिए लगाएंगे कि यहां पर हमारी गुलाई है और ये इस तरह से अच्छे से फोल्ड हो जाए, इस तरह से फोल्ड हो जाए। यहां हम एक सिलाई लगाएंगे। फोल्ड करते जाएंगे और हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमने लगा ली है और गले को हमने कपड़े पर लगा लिया है। अब हम इसको कमीज़ पर लगाएंगे, लेकिन कमीज़ पर लगाने से पहले हम इसका सेंटर कुछ इस तरह से करेंगे यूँ, और यहाँ से हम इसका दरमियान में एक कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद अब हम नीचे से भी इसका सेंटर करेंगे और एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब हम इसको कमीज़ पर लगाएंगे, कमीज़ की हम फ्रंट साइड लेंगे और बिल्कुल इसी तरह से हम इसका सेंटर काट लेंगे और इसके भी इधर हम कट लगाएंगे। कमीज़ पर आपने हमेशा गले को सीधी साइड पर लगाना है ताकि जब हम उसको फोल्ड करें वो अंदर की साइड उल्टी साइड पर चला जाए। कमीज़ को हमने सीधा काट लिया है, अब हम इसके ऊपर गले को लगाएंगे। बिल्कुल हम सेंटर में रखेंगे और इसके सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा गला सेट हो जाए और बाद में हम इसकी साइडों पे एक सिलाई लगा लेंगे।
अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल पेपर पट्टी के साथ साथ हम एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमने लगा ली है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे और आधे आधे इंच का फासला रखेंगे और हम इसको काट लेंगे। काटने के बाद अब हम इसके छोटे छोटे कट लगाएंगे, गुलाई वाली जगह पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि हमारा गला अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब हम इसके साइडों पे एक सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल साथ साथ हम इसकी सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने लगा ली है और गला हमने बना लिया है, गला हमारा रेडी है, गला हमारा रेडी है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।